इस घटनाक्रम पे बाड़मेर पुलिस एक्टिवली रिएक्ट करती है और इसकी गिरफ्तारी होती है। उसके तुरंत बाद लगभग 9:15 बजे हमारे कंट्रोल रूम पे पुनः एक सूचना आती है। हैदराबाद से प्रभाकर जी बात करते हैं और वो ये कहते हैं कि मेरे कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री श्रीकांत रेड्डी जी बाड़मेर गए हुए थे, उनका किन्हीं लोगों ने अपहरण कर लिया और 1 करोड़ रुपए की फिरौती की डिमांड उनके द्वारा की जा रही है। ये सूचना जैसी प्राप्त होती है तो पुनः चूंकि हम बालोतरा वाले घटनाक्रम के लिए एक्टिव थे तो पुनः इस ऑफिस में कार्यालय में एडिशनल SP खीव सिंह जी, CO सिटी दीप सिंह, सदर SHO, इन सब का एक वॉर रूम टाइप हम यहाँ चालू करते हैं। क्योंकि सनसनी खेज घटना थी कि किसी का अपहरण बाड़मेर में हो गया और 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी जा रही है। उस हैदराबाद वाले व्यक्ति से बात की जाती है और उसके पास बाड़मेर गया जिस भी नंबर से फ़ोन आया जाता है, तुरंत हमारे टैक्स सेल इंचार्ज पन्नाराम जी के माध्यम से हम उसकी लोकेशन पता करते हैं और कैफ पता करते हैं कौन है। तो वो बाड़मेर का लोकल व्यक्ति मोहन राम बेनीवाल करके आता है। उसके अंदर तत्काल ही 5 टीमें SHO सदर, SHO ग्रामीण और टैक्स सेल की बनाई जाती हैं, ताकि जो लोकेशन हमारे पास मोबाइल पर आ रही थी उसको तुरंत घेराबंदी की जाती है। तो हमारे पास दो कार्रवाई हमें करनी थी, एक तो जान माल का कोई खतरा नहीं हो और जो रेड्डी जी जिनका अपहरण हुआ है वो सुरक्षित छूट जाए, और कोई 1 करोड़ के लेन देन की जो बात हो रही है वो भी नहीं। इस पर कार्रवाई करते हुए हमारे द्वारा निर्देश दिए जाते हैं प्रभाकर रेड्डी जो हैदराबाद में थे कि आप लगातार बात करते रहिए, वो लगातार बात करते रहते हैं ताकि हमें तात्कालिक लोकेशन पता चलती रहे। ये घटनाक्रम रात में चलता रहता है पूरी रात। अल्टीमेटली सुबह 4:30 बजे जाकर के रेड्डी जी उतरलाई इलाके के पास में लास्ट लोकेशन आती है और फिर रेलवे स्टेशन जो बाड़मेर है उसके पास में उनको छोड़ा जाता है और हमारी टीम भी वहीं होती है। तुरंत वो उनको अपने कब्जे में लेती है, रेड्डी जी को लेकर के हम पुनः यहाँ लाते हैं और उनसे पूछताछ करते हैं। तो जो कहानी निकल कर के आती है पूरे घटनाक्रम की वो ये होती है कि रेड्डी जी की फर्म है जिसका कि नेचुरल पावर एशिया प्राइवेट लिमिटेड है नाम, उसके ये मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। MES जो यहाँ पे सरकारी संस्था है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, वो 2 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए ई टेंडरिंग करते हैं, जो कि सरकारी संस्था REIL जोधपुर की सरकारी संस्था है वो उस टेंडर को प्राप्त करती है। वो उसको सबलेट करती है दिल्ली फरीदाबाद की गोयल साहब की KBC फर्म करके है, उसको वो टेंडर जाता है। वहाँ से ये श्रीकांत रेड्डी जी की जो हैदराबाद की फर्म है वो प्राप्त करती है। रेड्डी जी की फर्म से प्रमोद जी की बेंगलोर बेस्ड फर्म है वो इसे प्राप्त करती है। और जैसा कि आप यहाँ देखते रहे होंगे अंत में यहाँ के कुछ लोकल लोग हैं जिनके पास ये काम आ जाता है। काम चालू होता है, कुछ समय से चल भी रहा था, लेकिन बेंगलोर वाली फर्म और रेड्डी जी की हैदराबाद वाली फर्म में कोई प्रॉब्लम आती है और बेंगलोर वाली फर्म ये काम करने से मना कर देती है और अलग हट जाती है। MES वाले हैदराबाद वाली फर्म के रेड्डी जी को यहाँ बुलाते हैं कि आप आइए और इस काम को पूरा कीजिए, आपकी जिम्मेदारी। इस पर वो अहमदाबाद मंगलवार को दोपहर फ्लाइट से आते हैं और फिर बाई रोड बाड़मेर पहुँचते हैं। और जो लोकल लोग काम कर रहे थे, जो मददगार के रूप में इनके पास आते हैं, एक मिस्टर शैतान सिंह जी हैं, शैतान चौधरी उम्र 27 साल, दूसरे भीकाराम और विक्रम चौधरी उम्र 32 साल, और श्री मोहन राम पुत्र जगमाल राम उम्र 26 साल। ये लोकल लोग के रूप में यहाँ काम कर रहे थे, ये इनको मिलते हैं और इनके साथ हो जाते हैं। इनको मिलवाते भी हैं 2-3 जगह MES में कि इस काम को कैसे पूरा किया जाए। अचानक घटनाक्रम में बड़ा तेज़ी से परिवर्तन आता है और मंगलवार की रात 8:30 बजे ये तीनों जिस गाड़ी में घूम रहे थे, तीन ये, एक रेड्डी साहब, और एक रेड्डी साहब अपने मदद के लिए सुरेश रेड्डी करके अपने मित्र को भी दिल्ली से बुलाते हैं साथ में। तो ये पांचों लोग थे, तो ये तीन लोग उतरते हैं, तीन अन्य लोग आकर के उस गाड़ी को हाईजैक कर लेते हैं और इनको अननोन डेस्टिनेशन पर ले जाते हैं रात में, कोई 20-25 किलोमीटर दूर किसी जंगल के किसी मकान के अंदर।
और वहाँ इनसे कहा जाता है कि 1 करोड़ रुपए आप दीजिए। प्रथम दृष्टया रेड्डी साहब ये समझते हैं कि शायद ये मेरा अपहरण हो गया और 1 करोड़ की रैंसम, और वो तीनों मेरे मददगार हैं जिनको कि निकाल के बाहर कर दिया गया, तो मेरा अपहरण हुआ है और 1 करोड़ रुपए की डिमांड है। और इनके पिताजी को फ़ोन किया जाता है हैदराबाद में कि आप फ़ोन लगाइए और 1 करोड़ रुपए की डिमांड होती है। पिताजी से इनकी मंगलवार रात में बात होती है। ये इनको वहाँ रखते हैं, मारते पीटते हैं, मटेरियलाइज नहीं होती स्थिति। बुधवार को यही तीनों लोग जो इनके की नाम मैंने आपको बताए, शैतान, मोहन राम और विक्रम, वापस उस टीम के साथ जुड़ जाते हैं आकर के। तब रेड्डी साहब को आवाज़ होता है, तो मिली जुली षड्यंत्र की एक कहानी है, और आकर के वो ये कहते हैं कि अगर आप पैसे नहीं दोगे तो आपकी जान नहीं छूटेगी और पैसा आपको देना पड़ेगा। बुधवार ये सारी कहानी चलती है, इन पे दबाव बनाया जाता है, 25 लाख का एक RTGS बनवाया जाता है। इसमें ये चूंकि तेलुगु में बात कर रहे होते हैं और यहाँ वाले केवल हिंदी जानते होते हैं, तो तेलुगु में रेड्डी साहब ये जरूर चालाकी करते हैं कि वो RTGS बैंक से बनवाते भी हैं और बैंक मैनेजर को ये कह देते हैं कि इसको करप्ट कर देना कि मटेरियलाइज नहीं हो, अल्टीमेटली पैसा इन तक नहीं पहुँच पाता। ये घटनाक्रम बुधवार को दिन भर चलता रहता है। बुधवार की शाम को ये जो इनका दूसरा मित्र होता है सुरेश रेड्डी, ये फिर मारते पीटते हैं, तो वो 1 लाख रुपए कहीं दिल्ली से अपने किसी मित्र से कहता है भाई इनके बैंक अकाउंट में डलवा दो, तो वो 1 लाख रुपए इनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होते हैं। बृहस्पतिवार को पुनः इनकी बात होती रहती है, और तब पहली बार इनके जो फादर हैं जो उससे 1 करोड़ रुपए मांग रहे थे, वो कहते हैं भाई मैं तो बुजुर्ग आदमी पैसे दे नहीं सकता, ये कमाने वाला बेटा था आपके पास है, पैसे होगा तो यही देगा, आप इससे बात करो। अल्टीमेटली ये बेटा जो इसका मैनेजर हैदराबाद में था उसको फ़ोन करता और उसको ये बात बताता है, तो उसके भी हाथ पांव फूल जाते हैं कि क्या करना चाहिए। वो तो कहता है मैं बात करता हूँ बाजार में, लेकिन अब इतनी बड़ी रकम अचानक तो मिल नहीं सकती। यूँ करते कराते रात में 9 बजे उसका फ़ोन हमारे कंट्रोल रूम पर आता है। मीनवाइल रेड्डी के पास कोई विकल्प नहीं था, तो वो बार्गेन करते हैं इनसे कि भाई अब तो मेरे पास कैश नहीं है, मैं दे नहीं सकता, अब आप क्या चाहते हो? तो ये स्टैम्प पेपर्स वगैरह बनाते हैं, लिखा पढ़त करते हैं, और इनसे ज़बरदस्ती उसके अंगूठे और तमाम सारी चीज़ें लगवाई जाती हैं। जिस वक्त ये कार्रवाई हो रही थी तब तक ये फ़ोन हमारे पास हैदराबाद से आ चुका था, हमने लोकेशन लेनी चालू कर दी थी। तो हमारी जो 5 टीमें थीं, जो SHO सदर, SHO ग्रामीण, पन्नाराम टैक्सेल और ये सब अपनी टीम लेकर के तैयार थे, तो जैसे जैसे वो लोकेशन मूव कर रही थी ये उसकी घेर करके चल रहे थे, क्योंकि हम अटैक भी नहीं कर सकते थे, स्ट्राइक भी नहीं कर सकते थे, हमारे ये नहीं पता था कि जो जिन्होंने पकड़ रखा उनके पास कितने हथियार हैं, किस स्थिति में हैं। हम उनको फॉलो कर रहे थे एक उचित डिस्टेंस पर रहते हुए। ये घटनाक्रम रात भर चलता है और सुबह 5 बजे अल्टीमेटली रेड्डी साहब स्टेशन रोड पर हमारी टीम को मिल जाते हैं, जो कि उनको फॉलो कर रही होती है लगातार। जैसे ही रेड्डी साहब हमारे सेफ कस्टडी में आते हैं, फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट ये मुलजिम होते हैं, जिसमें से 3 मुलजिमों को हम अभी तक उठा चुके हैं और उनको आज हम पूछताछ करके गिरफ्तार करेंगे। सर, इनके खिलाफ़ पहले भी कोई मामले दर्ज है? अभी तक जो हमारी जानकारी आई है इनके खिलाफ़ कोई पुराना मामला दर्ज नहीं है, लेकिन हो सकता है इस ज़िले में नहीं हो, क्योंकि इसमें से 2 पाली जिले के रहने वाले हैं, वहाँ भी हमने मैसेज किया, वहाँ दर्ज हो सकते हैं या किसी अन्य ज़िले में भी दर्ज हो सकते हैं। घटना हुई थी जिसमें कि हम 9 लोगों को गिरफ्तार कर चुके हैं। अब एक ये सनसनीखेज घटना हो गई कि इस पैसे के लेन देन के विवाद को लेकर के अपहरण कर लिया गया और 1 करोड़ की फिरौती मांग ली गई। आप मीडिया के माध्यम से, मैं यहाँ पर जितने भी बड़े कंपनी वाले काम कर रहे हैं जो सब कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, उनसे तो निवेदन करना चाहूँगा कि वो कृपया जो भी लोग यहाँ काम कर रहे हैं अविलंब नियरेस्ट थाने पे हमको अवगत कराएं कि वो क्या काम कर रहे हैं और उन्होंने लोकल लोग किनकी मदद ले रखी है, नंबर 1। नंबर 2, जो भी बाहर से यहाँ पे आए, जैसे हैदराबाद से रेड्डी साहब आ गए, तो वो आने से पहले जो भी नियरेस्ट थाना है वहाँ हमें सूचित करें कि मैं इस काम के लिए आया हूँ, ये विवाद है, इस विवाद को निपटाना है, ताकि वो हमारी जानकारी में रहे और कोई घटना होने से पहले हम उनको असिस्ट कर सकें और उनकी मदद कर सकें।